खबर रीवा जिले से है, जहां विधायक राजेंद्र शुक्ला को चुनाव में हार का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से लगातार विधायक द्वारा शहर के अंदर भूमि पूजन और उद्घाटन कर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जिस इको पार्क का दम भरते नहीं थक रहे हैं, उस इको पार्क में बहुत सारी कमियां होने के बाद भी उसका उद्घाटन किया जा रहा है। उक्त विचार युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि सभी को याद होगा कि 4 साल पहले यही इको पार्क का झूला पुल बाढ़ की चपेट में आने की वजह से कई लाखों की पुल तक बह गई थी। यह जानते हुए भी इको पार्क का एरिया बाढ़ क्षेत्र में आता है, इसके बाद भी रीवा विधायक के द्वारा सरकार का करोड़ों रुपए इको पार्क में बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा विकास किस काम का जो बरसात में बह जाए। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब भी बाढ़ आएगी, इको पार्क बहने में चंद मिनट ही लगेंगे। रीवा विधायक सरकार के पैसे को अपने चुनाव जीतने के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इको पार्क के अंदर भगवान के मंदिर हैं, वहां पर रेस्टोरेंट बनाकर वेज नॉन वेज भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जो भगवान का और भगवान पर रखने वाले आस्था का अपमान होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि रीवा विधायक जी करोड़ों की लागत से बनवा रहे इको पार्क में रीवा शहर के गरीब का क्या वास्ता है? बेरोजगार युवाओं को क्या मिलेगा? आज युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसी स्थिति में विधायक जी को युवाओं की चिंता करनी चाहिए थी। रोजगार व अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराते तो उन्हें सहर्ष लोग विकास पुरुष कहते, लेकिन जनता के जान को खतरे में डालने का पार्क बनाकर अपने मुंह ही मिट्ठू बनने वाले शायद पहले विधायक शुक्ला जी होंगे, युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष अनूप सिंह ने यह भी कहा। राजेंद्र शुक्ला जी को विकास पुरुष बनने का शौक है, तो उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे कुमार अर्जुन सिंह व श्रीनिवास तिवारी जी से विकास की परिभाषा सीखनी चाहिए थी। यदि कांग्रेस के नेताओं से परहेज है तो उन्हें अपने विधानसभा अध्यक्ष से ही सीखना चाहिए था। आज युवा कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आप सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करना चाहता है, वो रीवा का विकास है। जो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी लगातार अपने विकास की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि शहर के अंदर हमने बहुत सारे फ्लाईओवर बना दिया, बहुत सारा विकास हमने कर दिया और मैं खुद विकास पुरुष हूँ, ये झूठे वादे राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। एक इको पार्क ये बना रहे हैं लंबे समय से, जिसका बड़ी जोर से ये दावा करते हैं कि हमने ये विकास किया है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूं, ऐसा विकास किस काम का जो एक बाढ़ भी न झेल पाए? करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा इको पार्क, जैसा कि आपको पता है 4 साल पहले भी इन्होंने झूला पुल बनाया था, करोड़ों रुपए की लागत से झूला पुल चंद मिनटों के अंदर पूरा बह जाता है। आज तक रीवा शहर की जनता को यह नहीं बता पाए कि उसका जिम्मेदार कौन था, ये जानते हुए कि इको पार्क का एरिया बाढ़ क्षेत्र में आता है, उसके बाद भी सरकार के करोड़ों रुपए वहां पे लगाए जा रहे हैं। और क्यों लगाए जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र शुक्ला जी अपना चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और फिर वही बाढ़ में आने वाली बरसात में फिर इको पार्क बह जाएगा। और ये जो पुल है वो बड़े हादसे का आमंत्रण दे रहा है। मैं अभी से आगाह करना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को और जिम्मेदार अधिकारियों को कि रीवा की जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। आप युवाओं की बात नहीं करते, युवा बेरोजगार दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया है। आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, कोई सोच नहीं है, आप किस आधार पर फ्लाईओवर का निर्माण कर रहे हैं? जाम से निजात दिलाने के लिए तो फ्लाईओवर का निर्माण होता है, बिल्कुल हो रहा है जाम से निजात दिलाने के लिए, लेकिन बनाने से पहले आप उचित व्यवस्था भी, आपका ही दायित्व बनता है कि आप लोगों को जो परेशानी में आ रहे हैं उनको उचित डायवर्सन मार्ग बताएं, दूसरा रास्ता निर्धारित करें कि जब तक फ्लाईओवर बन रहा है तो आप लोग इस रास्ते से जाएं। क्या मानते हैं जो दुकानदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मार्ग को रोका जाए? क्या आपने कहा दुकानदार जहाँ पे बिल्डिंग बननी है, जो दुकानें 180 दुकानें उनको नुकसान पहुंचा, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए वो मार्ग को रोका गया?
देखिए वो नुकसान पहुंचाने के लिए के साथ साथ उन्होंने मार्ग में बाधा जो लोग आने जाने वाले हैं उससे कहीं काम प्रभावित न हो, किसी के ऊपर चोट ना आए, इस वजह से उस काम को रोका गया है। लेकिन कमियां क्या हैं कि जो आपने नया रास्ता बनाया है उसको सही तरीके से आपने उसको बनाया नहीं, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचा नहीं पाई, जिसकी वजह से काफ़ी जाम और लोग प्रभावित हो रहे हैं।